Hi guys, this is Sonal Kaushal. Welcome back to my channel, The Motor Mouth. सबसे पहले तो मेरी पिछली प्रैंक कॉल को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच. और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों के लिए रिकमेंडेशन भेजा कि मैं इसको प्रैंक कॉल करूँ, उनको प्रैंक कॉल करूँ. एंड सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रैंक कॉल करूँगी संजय केनी जी को, यानी कि जो ऑगी एंड द कॉकरोचेस में वॉइसिंग करते हैं. उनके साथ मैं ऑलरेडी एक इंटरव्यू शूट कर चुकी हूँ और उसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं. और आज मैं उनको करने वाली हूँ एक प्रैंक कॉल. बहुत सारे लोग चाहते थे कि डोरेमोन प्रैंक कॉल करें, पर गाइस अगर मैं इस आवाज़ में उनसे बात करूँगी तो वो पहचान जाएंगे ना कि सोनल कॉल कर रही है. इसलिए मैं एक अलग तरह की आवाज़ में उनसे बात करने वाली हूँ. देखते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं. लेट्स गो. हमारी एक्चुअली इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है कॉकरोच इन माई गोदी. ये सर, ये मेरा पहला ही प्रोजेक्ट है. उनके कुत्ते का बर्थडे है सर, उसमें आपको परफॉर्म करना है. आप सर शाहरुख खान के अवतार में आ जाएंगे सडनली. हाउ कम्स? मुझसे ऐसी कंट्रोल नहीं हो रही, मुझे फोन रखना पड़ गया 2 मिनट. जूता किसका फेंकना है, मेरा खुद का? हेलो. हेलो जी. सर मैं अर्पिता बात कर रही हूँ कॉकरोच इन माय गोदी एंटरटेनमेंट से. पार्डन, सर हमारी, हेलो सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वन सेकेंड, होल्ड ऑन प्लीज. हेलो. या हेलो जी. या सर मैं अर्पिता बात कर रही हूँ कॉकरोच इन माय गोदी एंटरटेनमेंट से. हमारी एक्चुअली इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है कॉकरोच इन माय गोदी. कॉकरोच इन माय गोदी, ओके ओके फाइन, बोलिए. सर हमारा ना बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है एक, लेकिन सर आपको पता ही आजकल सिचुएशन ऐसी हो गई है कि सब कुछ ऑनलाइन ही होने लग गया है, तो ये इवेंट ऑनलाइन होगा सर. बहुत बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होंगे सर इवेंट में, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे पाऊँगी सर. प्राइवेसी पॉलिसी है हमारी कंपनी की. लेकिन सर मुझे पता चला है कि आप बहुत 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 बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट हैं. बड़ा या छोटा आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट एक अराउंड 20 ईयर्स आई एम वर्किंग. हाँ सर देखिए 20 ईयर्स तो मेरी एज भी नहीं है सर. ओह हाँ सर, बस अभी मैंने कॉलेज पास किया है, ये कंपनी मैंने ज्वाइन की है सर, ये मेरा पहला ही प्रोजेक्ट है. मैं चाहती हूँ सर कि आप ये प्रोजेक्ट करें. और सर हमारे पास ना बजट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप जितना मुँह खोल, आई मीन सर आप जितना बोलेंगे ना सर उतना आपको बजट मिल जाएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा ओके. हाँ सर ये तो, ये कहाँ पे आपका इवेंट जो कर रहे हैं? सर इवेंट तो ऑनलाइन होगा ना सर, जैसे आजकल जूम मीटिंग्स वगैरह होती हैं, गूगल मीटिंग्स वगैरह होती हैं ना सर, वैसे ही होगा. अभी क्योंकि सर लॉकडाउन हो गया है तो इवेंट तो हो ही नहीं सकता, हमारा तो बहुत लॉस हो गया है सर हमारी कंपनी को. नहीं मैंने भी पिछले 6 महीने में कुछ इवेंट किया नहीं है, मैं इसीलिए थोड़ा सा क्यूरियस हूँ कि ये क्राउड क्या होगा आपका, इंडियन क्राउड है कि ऑल ओवर वर्ल्ड आप इसको लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे, कैसे कर रहे हैं? जैसा कि मैंने कहा सर हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है सर, तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता पाऊँगी सर. लेकिन इवेंट बहुत अच्छा है सर, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होंगे. और आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ सर कि एक सेलिब्रिटी है बहुत फेमस, उनके कुत्ते का बर्थडे है सर, उसमें आपको परफॉर्म करना है. अरे जोकिंग और हेलो एक्सक्यूज मी जी सर, तो आप ऑगी एंड द कॉकरोचेस में बहुत सारे कैरेक्टर्स करते हैं ना सर? यस तो तो अगर ऑगी के कैरेक्टर में अगर आपको कुत्तों को एंटरटेन करना है सर, देखिए कुत्ते आपको देख रहे होंगे बहुत सारे, तो आपको कुत्तों को हंसाना होगा सर, आप कैसे हंसाएंगे? जैक, जैक का डॉगी तो बहुत एंग्री रहेगा हमेशा. टपलू का डॉगी, टपलू का डॉगी. सर बहुत अच्छा रहेगा सर, और आपकी तरह बहुत सारे आर्टिस्ट आने वाले हैं, सिंगर्स भी परफॉर्म करेंगे सर, डांसर्स भी परफॉर्म करेंगे. और सर इसमें हमारे पास एक बहुत अच्छा फीचर है सर, आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि ऐसे जूता फेंकते हैं हवा में और पैर ऐसे ऊपर करते हैं और सडनली सर कपड़े चेंज हो जाते हैं, जूता पैर में आ जाता है, आपने देखा होगा सर. अरे वो तो सब
पोस्ट प्रोडक्शन ट्रिक रहती है सर, वो इंस्टाग्राम का, हाँ सर वो फिल्टर है, लेकिन हमारी टीम सर इतनी ज़्यादा एडवांस्ड है कि आप मिमिक्री कर रहे होंगे ना सर, तो जैसे ही आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर शाहरुख खान की करेंगे तो आपको एक जूता हवा में फेंकना है सर, और आप सर शाहरुख खान के अवतार में आ जाएंगे सडनली। हाउ कम्स? हेलो हेलो, या ये हाउ कम्स मींस इज इट अ मैजिक शो और व्हाट एग्जैक्टली? गाइस मुझे मुझसे ऐसी कंट्रोल नहीं हो रही, मुझे फोन रखना पड़ गया 2 मिनट। आई विल कॉल हिम बैक। हेलो सर, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ हाँ बोलिए। तो सर मैं बोल रही थी कि ये एक फिल्टर होता है सर, तो ऑटोमेटिकली मतलब हमारी टीम ने इंस्टाग्राम के लिए भी हमारी टीम ने बनाया ये फिल्टर सर, तो ये ऑनलाइन होगा ना सर, तो हम आपको ये फिल्टर सॉफ्टवेयर में डाल के देंगे और आपको सर जूता यूँ फेंकना है और यू मतलब चुटकी बजाते आपका अवतार ही चेंज हो जाएगा सर, तो आप मिमिक्री के साथ साथ आप दिखेंगे उनकी तरह। जूता किसका फेंकना है, मेरा खुद का? हेलो सर, आप तो बहुत मजाकी हैं सर आप। नहीं मजाक तो आप कर रहे हो, जूता फेंकना है तो क्या एक जूते के साथ मिमिक्री करूँगा मैं? और अगर इफ़ आई एम डूइंग सो मैनी कैरेक्टर्स, अगर मैं 15-20 कैरेक्टर कर रहा हूँ तो 15-20 जूते लाऊँ कहाँ से मैं? आप लोग प्रोवाइड करोगे सर? आप बहुत मजाकी हैं सर। अरे आई एम वेरी सीरियस मैम। हेलो, ये कॉन्सेप्ट मेरे समझ में नहीं आया, और ऑडियंस को क्यों जूता फेंकूं मैं? ऑडियंस इज गॉड फॉर मी। हेलो सर, हेलो सर, मेरी तो हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। एक्सक्यूज मी सर, आपको अपना ही जूता फेंकना होगा सर। कहाँ फेंकना है? काम करेंगे। अरे सर एक्सक्यूज मी, हेलो सर, हेलो हेलो सोनल बोल रही हूँ, सोनल कौशल। अरे यार क्या पागल बने, तुम्हारा नंबर कैसे? ये नंबर नहीं है मेरे पास, नंबर चेंज हुआ शादी के बाद तुम्हारा। व्हाट हैपेंड? मैंने जानबूझ के एक दूसरे नंबर से फोन किया था प्रैंक कॉल करने के लिए, बट सर ये प्रैंक कॉल बैकफायर हो गई। मैंने कितना कुछ सोचा हुआ था कि मैं क्या क्या बोलूंगी क्या क्या बोलूंगी, पर आप पर मुझे इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी, इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अरे आई वॉज जस्ट कंट्रोलिंग माई सेल्फ कि ये कौन है काइंड ऑफ थिंग। अरे सर आपको सिर्फ एक बार जूता ही तो फेंकना था सर, आप कर सकते थे सर, बहुत आसान था सर। अरे मैं कितना खुश हो रहा था यार, 6 महीने बाद कोई इवेंट आया है। एक्चुअली जो जूते की बात चल रही है, आई वॉज कंट्रोलिंग माई सेल्फ। कसम से अगर सामने बैठे होता कोई तो उसको पड़ जाती मेरे हाथ से, उसी का जूता मार देते आप। मेरे में बहुत ऐसा खुश हो रहा था यार, मैं सोच रहा था यार मेरे मस्त ऐसे अभी अकाउंट में धपाधप पैसे आने वाले हैं। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा प्रोड्यूसर सुना जो बोल रहा है पैसे का कोई टेंशन नहीं, बजट का कोई टेंशन नहीं। आई वाज जस्ट कैलकुलेटिंग कि यार मैं क्या अमाउंट बोल सकता हूँ कि अरे इट वाज लाइक सर, लेकिन अरे ऐसा चौपट कर दिया बॉस। चौपट तो मेरी प्रैंक कॉल हो गई है, क्योंकि मुझे अभी तो मेरी प्रैंक कॉल शुरू हुई थी। एक मिनट। हेलो, तुम अभी वहाँ पे मेरा इंटरव्यू ले रही थी बराबर? हाँ, जो भी मेरे को प्रैंक कॉल किया, हंसी बहुत। हाँ तो इट वाज लाइक अ फोन पे स्टैंड अप कॉमेडी, मेरे को पेमेंट चाहिए। गाइस ये मैं प्रैंक कॉल करने की कोशिश कर रही थी, ऑनलाइन शो होने जा रहा है बॉस। नहीं मैं नंबर भेज रहा हूँ, मुझे पैसे चाहिए, फोन में पेमेंट। अरे नहीं, अर्पिता ने आपको बीच में कॉल कर दिया इवेंट के लिए और आपको खुश कर दिया सडनली, बट सर सॉरी आपको डिस्टर्ब। अरे नहीं नहीं, प्लेजर यार, प्लेजर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग यार, उसमें थैंक यू सो मच। वी थॉट अबाउट इट इज बिग थिंग एक्चुअली, प्रैंक कॉल इट्स नॉट इजी थिंग, बहुत डेयरिंग वाला आइटम है। इट इज नॉट इजी, और सर मेरे लिए तो बिल्कुल भी इजी नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ जाती है एकदम से। नहीं बट सरप्राइजिंगली मैं तुम्हारी वॉइस नहीं पहचान पाया। आई कैन रिकॉग्नाइज योर छोटा भीम, डोरेमोन एंड पिकाचू वॉइस, बट मैं तुम्हारी वॉइस नहीं पहचान पाया, लाइक इतने सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। सर आप एक बार
हमारे व्यूअर्स को बोल सकते हैं सर कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज? हाय, ये गुस्ताखी जो आपके फेवरेट आर्टिस्ट ने की है मोटर माउथ, प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी, बट आई होप आपने ये प्रैंक कॉल जो भी था एंजॉय किया, एंड प्लीज़ आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इनके वीडियोस लाइक करें एंड कमेंट्स भेजिए। थैंक यू सो मच। कमाल करते हो सोनल जी, थैंक यू सो मच। हो गई प्रैंक कॉल, और जैसा कि मुझे उम्मीद थी, मुझे पूरा विश्वास था, बट आई हैड ग्रेट फन, ही ऑल्सो हैड फन। मैं थोड़ा सा और खींचने वाली थी इस चीज़ को, इस मजाक को, लेकिन मैं खुद ही हंस पड़ी, मुझसे हंसी कंट्रोल ही नहीं हुई। आई एम टेलिंग यू कि मैं कैसे प्रैंक कॉल करने के बारे में सोच रही हूँ, आई डोंट नो। बट इफ़ यू गाइस थिंक, ये प्रैंक कॉल मैंने आपके लिए की थी क्योंकि आप लोगों ने कहा था, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह और प्रैंक कॉल्स करूं और लोगों को कॉल करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। बट मैं पहले ही बता रही हूँ, हो सकता है कि और भी प्रैंक कॉल्स में मैं इस तरह हंस पड़ूं और मेरा भांडा फूट जाए। बट इफ़ यू गाइस वांट कि ऐसी प्रैंक कॉल्स होती रहे, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरी बात है, इट्स वेरी बैड, वेरी 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 बैड। अभी के अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। बाय, प्यार यू।